हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 20 तक बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप वहां जाकर चेक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में एक सीके लिमिटेड कंपनी है जो कि फॉरफीट कर रहा है 1000 शेयर्स, जिसमें हर एक शेयर्स का वैल्यू है 100 रुपीज़, जिसमें कि वो सिर्फ रुपीज़ 60 ही कॉल्ड अप किया है, मतलब 60 रुपीज़ ही अभी तक सिर्फ कंपनी मांगा है पब्लिक से, जो इशूड किया है धनराज को, जिस पर कि धनराज ने सिर्फ 30 एप्लीकेशन, जिसमें से 30 एप्लीकेशन पर देना है, जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एंड देन इसमें क्या हुआ कि धनराज जो था वो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का मनी 20 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दिया है, तो इसमें हम लोगों को डायरेक्ट फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का एंट्री करना है। तो चलिए देख लेते हैं जनरल एंट्री। चलिए इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग होगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट से, क्योंकि फॉरफीट कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी अभी तक मांगा कितना है धनराज से, तो 1000 शेयर्स को फॉरफीट कर रहा था, इस पर मांग चुका है अभी तक 60 रुपीज़ के हिसाब से, 60 रुपीज़ ही कॉल्ड अप किया है, तो हो जाएगा हमारा 60,000 रुपीज़। देन उसके बाद हम लोग देख लेते कि ये दिया कौन कौन सा पैसा नहीं था। तो सबसे पहले तो धनराज नहीं दिया था अलॉटमेंट का पैसा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देन उसके बाद नहीं दिया था फाइनल फर्स्ट कॉल का पैसा, तो लिखेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। देन उसके बाद इसके शेयर्स को हम लोग फॉरफीट कर देंगे, तो लिखेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब इसमें अलॉटमेंट के ऊपर नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे 20 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दिया, 20 अलॉटमेंट पर नहीं दिया है, तो हो जाएगा हमारा 1000 इंटू 20, तो हो जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़। एंड देन 1000 के ऊपर 20 रुपीज़ के हिसाब से फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़। एंड सिर्फ अभी तक दे चुका है धनराज एप्लीकेशन का मनी, तो एप्लीकेशन था हमारा इसमें 20 रुपीज़ के हिसाब से, तो 20 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि इसमें इंक्लूडेड प्रीमियम भी था, तो ये हम लोग प्रीमियम को हटा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 रुपीज़। ये भी मैच हो जा रहा है, हमारा 60,000 डेबिट बैलेंस हो गया एंड 60,000 हमारा क्रेडिट बैलेंस हो गया। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है कि एक दीपा लिमिटेड कंपनी है जो कि इनवाइट किया है एप्लीकेशन के लिए 10,000 शेयर्स एप्लीकेशन के लिए, जिसमें हर एक शेयर्स का वो वैल्यू रखा है कि 100 रुपीज़ होगा, जिस पे 6% प्रीमियम भी मांग रहा है वो। उसको देना कैसे है, 25 एप्लीकेशन पर देना है, 35 अलॉटमेंट पर देना है, एंड 46 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर देना है। इस 46 पर इंक्लूडेड प्रीमियम है, इसमें 6% का प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ 9,000 का, मतलब ये कंपनी जो था इशू किया 10,000 शेयर्स के लिए, लेकिन इसमें से सिर्फ पब्लिक अप्लाई किया है 9,000 के लिए, तो जिसको 9,000 को पूरे को एक्सेप्ट कर लिया है कंपनी और सारा पैसा रिसीव्ड हो गया, एक्सेप्ट फर्स्ट और फाइनल कॉल पर 100 शेयर्स वाला कोई एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स था, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी नहीं दिया है, तो इसीलिए उसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया और इसी की एंट्री हम लोगों को पास करनी है। तो चलिए देख लेते कैसे होगा। चलो तो इसमें एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड होगा कंपनी को, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसको पब्लिक जितना इशू किया था शेयर्स, उतने ही के ऊपर हम लोग जनरल एंट्री बनाते हैं, तो 9,000 ही पब्लिक शेयर्स किया इशू किया था शेयर्स, मतलब अप्लाई किया था, तो ये हो जाएगा हमारा 9,000 इंटू 25 रुपीज़ के हिसाब से एप्लीकेशन पर देना था, ये हो जाएगा हमारा 2,25,000। ये तो बैंक में रिसीव्ड हो गया, अब इसको कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा, तो हम लोग लिख देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2,25,000। ये तो हो गया हमारे एप्लीकेशन का एंट्री। अब उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा मांगेगा कंपनी, तो सबसे पहले कॉल करेगा, तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, ये मांगेगा 9000 के ऊपर। अलॉटमेंट के टाइम पे देना था 35 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 35, देनी हो जाएगा हमारा 3,15,000। कंपनी कॉल किया 3,15,000 अलॉटमेंट के टाइम पे, देन इसको बैंक में रिसीव्ड होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ होगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड हो रहा है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो जाएगा हमारा 3,15,000। ये तो हो गया हमारे अलॉटमेंट का भी पैसा। अब वो सबसे अब अपना कॉल करेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मनी, तो हम लोग लिखेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल का पैसा मांग रहा है, तो डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफ़र करेगा, ये मांगेगा 9000 के ऊपर, ये चाहिए कितना था इसको 46 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 4,40,000। इसमें इंक्लूडेड है हमारा प्रीमियम भी, क्वेश्चन में बोला था कि फाइनल कॉल में प्रीमियम भी 6% का इंक्लूडेड है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसका भी पैसा मांगेगा जो कि 6 रुपीज़ के हिसाब से, तो 100 रुपीज़ का 6% होता है हमारा 6 रुपीज़, तो ये हो जाएगा हमारा 9000 इंटू 6 रुपीज़ के हिसाब से, ये हो जाएगा हमारा 54,000। एंड देन कैपिटल में मिलेगा 3,60,000 कंपनी को, ठीक है। ये ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं कि 9,000 के ऊपर इंटू 40 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा 3,60,000। देन अब उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे कि बैंक में रिसीप्ट कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। इसमें कॉल्स इन एरियर्स हुआ था क्योंकि जो 100 शेयर्स वाला एक शेयर होल्डर था वो नहीं दिया था पैसा, तो हम लोग लिखेंगे इसमें कॉल्स इन एरियर्स डेबिट कर देंगे टू, किसका पैसा रिसीव्ड हो रहा है, तो फाइनल कॉल का पैसा है, तो हम लोग लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। चाहिए तो इसमें था कंपनी को 4,14,000, पर इसमें एरियर हो गया, 100 शेयर्स के ऊपर क्या किया कि 46 रुपीज़ के हिसाब से नहीं दिया है एक शेयर होल्डर, तो हो जाएगा हमारा 4,600। देन उसके बाद ये हमारा बच जाएगा 4,09,400। ये हम लोग ऐसे भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8,900 इंटू 46 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये कॉल कर लिया। अब इसके बाद शेयर्स को फॉरफीट करेगा कंपनी, लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफीचर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। इसमें प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया था जो शेयर होल्डर, शेयर का पैसा नहीं दे पाया था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। पैसा किसका किसका नहीं दिया था, तो वो सिर्फ फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड देन टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, उसके शेयर को फॉरफीट कर देंगे। अब इसमें देखेंगे कि कंपनी मांगा कितना था, तो कंपनी 100 रुपीज़ के ऊपर मांगा था शेयर होल्डर से 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 100 रुपीज़ के हिसाब से मांगा था 100 शेयर्स पर, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 रुपीज़। एंड देन ये हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़ के ऊपर 6 रुपीज़ के हिसाब से मांग रहा था, तो ये 600 रुपीज़ नहीं दे पाया था। देन हमारा फाइनल कॉल पर कॉल्स इन एरियर्स हुआ था इसमें 4,600 रुपीज़ का, 4,600 नहीं दे पाया था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 4,600। एंड देन पेड कितना कर दिया था, तो 100 शेयर्स के ऊपर इसमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा वो दे चुका था, तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें ये 60 रुपीज़ दे चुका था एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का, तो ये हो जाएगा हमारा 6,000 रुपीज़। ये हम लोगों ने उसके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया, यहाँ पे हमारा टोटल सही आ रहा है, देख लेते हैं, यहाँ 10,600 है, यहाँ भी हमारा हो जाएगा 10,600। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन।